दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले नए और सार्थक शब्द को समास कहा जाता है। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण होना, यानी किसी भी शब्द का संक्षिप्त रूप जो होता है उसे समास कहते हैं। समासिक शब्दों को विभक्ति सहित अलग अलग कर दिया जाता है तो इसे विग्रह कहा जाता है। क्योंकि समास का विग्रह हो रहा है तो इसे समास विग्रह कह सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में लंबोदर का समास विग्रह और लंबोदर में कौन सा समास होता है के बारे में जानेंगे। तो प्यारे साथियों, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि यहाँ पर अच्छा ज्ञान मिलने वाला है। सबसे पहले हम लंबोदर शब्द का समास विग्रह कर लेते हैं। तो दोस्तों, लंबोदर का समास विग्रह होता है लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। यानी जब लंबोदर का समास विग्रह किया जाता है तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश बनता है। अब हम जान लेते हैं कि लंबोदर शब्द में कौन सा समास होता है, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, लंबोदर में बहुवीर्य समास होता है। अब हम कैसे पता चलता है कि लंबोदर में बहुवीर्य ही समास होगा? इस बारे में पता करने के लिए आपको बहुवीर्य की परिभाषा या बहुवीर्य किसे कहा जाता है के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो बहुवीर्य समास किसे कहते हैं, आइए जान लेते हैं। बहुवीर्य समास को समझने के लिए हम पांच तरह की बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, तभी आप बहुवीर्य समास को पहचान सकते हैं। इस समास में पहला या दूसरा दोनों ही पद प्रधान नहीं होते। सेकंड है, इस समास में अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। थर्ड है, समस्त पद अन्य पद को व्यक्त करता है। फोर है, इस समास का समास विग्रह वाक्यात्मक होता है, यानी एक वाक्य के रूप में होता है। समास विग्रह करने पर वह, जिसका, जिसकी, वाला, जो है आदि शब्द आते हैं तो बहुवीर्य समास होते हैं। बहुवीर्य समास के कुछ प्रसिद्ध उदाहरणों के बारे में भी जान लेते हैं। तो बहुवीर्य समास के प्रसिद्ध उदाहरण होंगे, पहला बोलेंगे हम समास और फिर उसका करेंगे समास विग्रह। तो आशुतोष, आशुतोष का समास विग्रह होता है आशु शीघ्र प्रसन्न होता है जो है, या अर्थात शिव। चंद्रचूड, चंद्र है चूड यानी ललाट पर जिसके, अर्थात शिव। शूल पाणी, शूल यानी त्रिशूल है पानी में जिसके, अर्थात शिव। गरुड़ ध्वज, वह जिसके, गरुड़ का ध्वज है अर्थात विष्णु। चक्र पाणी, चक्र है पानी जिसके, अर्थात विष्णु। इस तरह से दोस्तों आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि लंबोदर का समास विग्रह लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश होता है। और लंबोदर में समास बहुवीर्य समास होता है। अतः हम आशा करते हैं कि आपको लंबोदर का समास विग्रह समझ में आया होगा। अगर आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या पूछ सकते हैं, क्योंकि हम सभी विद्यार्थियों को उनके प्रश्न का उत्तर देते रहते हैं। और अंत में, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि ऐसा ही अध्ययन हम यहाँ पर कराते रहते हैं। मिलेंगे एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पर उपस्थित अनेक तरह के वीडियो यानी हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए वीडियो आप देख सकते हैं।